हमारा 120 रुपए का घर का बिल आता था, इसने माफ कर दिया। दुकान का बिल आता था 150 रुपए का, वो इसने 450 का कर दिया, यानी 300 रुपए बढ़ा दिए। ये लोग संसद में आग मारते हैं, संसद में आग मारते हैं, संसद में जोर जोर की चिल्लाते हैं, हाँ मैं पप्पू हूँ, हाँ मैं पप्पू हूँ। आतिशी जी ने एक कुर्सी बगल में लगा दी है, वो कह रहे हैं कि ये मेरे राम जी की कुर्सी है। आप बताओ कि राम जी ने कभी दारू फ्री बांटी थी? आता कि हम कोठी नहीं लेंगे, सकोटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, बच्चों की कसम भी खाई थी इसने और सब कुछ लेके बैठ गया। आपको जरूरत है उनको फ्री दे, जिनको जो है जिनको जोत नहीं उनको काहे के लिए फ्री? ये तो फिर श्रीलंका बनाने वाली बात हो गई। श्रीलंका बना दो, बांग्लादेश बना दो, पाकिस्तान बना दो। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, अरे आप अपने घर में आपके इतना बड़ा खजाना है, आप उसको एक सांसद का टिकट नहीं देते हो? वो सांसद नहीं बनती है, वो चुनाव नहीं लड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी का जबर, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। रवनीत सिंह बिट्टू जिन रेल राज्य मंत्री हैं, जिनकी अच्छी खासी छवि है और उनको सब जानते हैं, उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर काफ़ी बड़ी टिप्पणी करी है, जिससे अब राजनीतिक माहौल जो है वो काफ़ी गर्मा गया है। उनका ऐसा कहना है कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं और वो या तो पप्पू हैं या फिर शैतान है, शातिर शैतान है उनका ऐसा कहना है। उनका ऐसा क्यों कहना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 10 सितंबर में अमेरिका में राहुल गांधी जी ने सिखों को लेके भारत के जो सिख समुदाय है एक टिप्पणी करी थी कि मैं इस चीज़ को लेके चिंतित हूँ कि भारत में पगड़ी कड़ा पहनने की इजाज़त है या नहीं है, कि इजाज़त दी जाए सिख समुदाय को। और बिट्टू जी का ये कहना है कि गुरुद्वारा और बिट्टू जी का ये कहना कि दरबार साहिब में जिसने कांग्रेस और उनके परिवार ने बर्बाद करा, उसके बाद भी वो वहाँ पे मत्था टेकने जाते हैं पगड़ी पहन के, तो किस तरीके से देश में पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं है, ऑलरेडी है। और उनका ये भी कहना है कि 15 साल तक मैं राहुल गांधी जी के साथ रहा हूँ, उसके बाद मैंने उन्हें छोड़ा है, और अगर मेरे से अच्छे से राहुल गांधी को और कोई नहीं जानता है, मैं ही एक इंसान को जो राहुल गांधी को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, तो आज इसी विषय पे हम जनता जनार्दन से बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? दीपक। आप सहमत है इस बात से कि राहुल गांधी जी देश के आतंकवादी हैं, और उनकी बात से राहुल गांधी जी की बात से कि पगड़ी? देखिए, मैं आतंकवादी शब्द से तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन राहुल गांधी के अभी के बयान तो छोड़िए, जो पहले भी वो बयान दे चुके हैं, उनको 2 बार उनकी संसदी भी गई थी, उस बयान में मानहानी का दावा हुआ, संसदी गई, सुप्रीम कोर्ट ने संसदी बहाल की उनकी। वो चौकीदार चोर वाले बयान पे 2019 के चुनाव में मोदी ने बोला मैं चौकीदार हूँ, तो राहुल गांधी ने बोला चौकीदार चोर है। इस बयान पे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फिर माफ़ी भी मांगी। जो मैं आपसे तथ्यों की बात करूंगा, अगर मेरी बात झूठी निकले मैं कभी माइक पे बोलूंगा भी नहीं। अब उन्होंने जो सिखों के बारे में बयान दिया कि सिख कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, अरे मैं खुद पंजाबी हूँ लेकिन मैं सिख नहीं हूँ, मैं पंडित हूँ, जेटली हूँ, तो मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है मुझे। तो सिखों का तो वो धर्म स्थान है, गुरु स्थान है, तो वो नहीं जाएंगे। आप देखो, चप्पल लेते हैं करोड़पति बैठे हैं, चप्पल की सेवा करने वाले गाड़ी वाले सब बैठे हैं, लखपति करोड़पति, इतनी सेवा सिख करते हैं। अरे इनकी आबादी 3.5-3 करोड़, हम हिंदू क्या हैं? ये मंदिर में लगाए ना 24 घंटे भंडारा, मानू मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ, ये 3.5 करोड़ लोग 24 घंटे के भंडारे कर रहे हैं। क्यों? धर्म में लिखा है कीरत करो मंडो ते छको, इसका मतलब है कर्म करो, अपनी कमाई का हिस्सा मंडो मतलब बांटो, और छको मतलब खाओ। जो गुरु गोविंद सिंह ने लास्ट में कहा था कि अब कोई गुरु नहीं बनेगा, हम 10 गुरु थे, अब गुरु मानियो ग्रंथ, जैसे एक हमारे मुस्लिम भाइयों की कुरान शरीफ है, पाक किताब है, ऐसे ही ये भी किताब है, ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब में किस किस की बाणी लिखी है, बाणी मतलब जो भाषा, हाँ। गुरुबाणी में कौन कौन है? वारिस शाह मुसलमान, फरीदाबाद जिनके नाम पे बना, गुलाम फरीद लाहौर में पैदा हुए, मुख्तसर मुख्तसर में, और फरीदाबाद रहे और फरीदकोट रहे, दोनों जगह गुलाम फरीद, ये मुसलमानों के नाम बता रहा हूँ।
बुल्ले शाह ये गुरुबानी में है, ये गंगा जमुनी तहजीब गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है। और राहुल गांधी इतना बड़ा बयान दे देते हैं उनके खिलाफ, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ राहुल गांधी, तुम्हारी परदादा देश के प्रधानमंत्री, तुम्हारी दादी देश की प्रधानमंत्री, तुम्हारे पिताजी देश के प्रधानमंत्री, अरे तुमने इंग्लैंड की नागरिकता क्यों ली थी? अभी गूगल सर्च मारो, इंग्लैंड की नागरिकता लेने का तुम भारतवासी हो, तुम्हारे परदादा, तुम्हारी दादी, तुम्हारे पिताजी, और तुम इंग्लैंड की नागरिकता लेके बैठे थे क्यों? मुझे नहीं पता वो क्या है, क्या सोच है उनकी। उनके मन में एक ही है, मोदी को हटाना है। मोदी ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया 10 साल में। ये राजनीति, अच्छा एक घर की बात बता रहा हूँ। मैं तारीफ कर रहा हूँ राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी उनसे 10 गुना आगे है, सोच में, विचार में 10 गुना आगे है राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी। बीच में नहीं बोलते किसी के, मैं भी नहीं बोलता बीच में नहीं। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, अरे आप अपने घर में, आपके इतना बड़ा खजाना है, आप उसको एक सांसद का टिकट नहीं देते हो? वो सांसद नहीं बनती है, वो चुनाव नहीं लड़ती है, क्योंकि उसको पता है राहुल गांधी को मेरे में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, मैं हीन भावना आ जाएगी मेरे अंदर। मेरी बहन संसद में पहुंच गई तो वो जो डिबेट करेगी वो टू दी पॉइंट करेगी। ये तो संसद में आंख मारते हैं, संसद में आंख मारते हैं, संसद में जोर जोर की चिल्लाते हैं, हाँ मैं पप्पू हूँ, हाँ मैं पप्पू हूँ, यूट्यूब पे देखो, गूगल खोल के देखो। तो इनके ऊपर देश कैसे भरोसा करे? 99 सीटें जीत के 57 साल, 125 साल पुरानी पार्टी, और इस बार 99 सीटें जीत के वो जश्न मना रहे हैं। अरे वो तो देखो, एक अकेला आदमी 240 सीटें लेके आ गया, चाहे कम लेके आया, 272-288 नहीं लेके आया, गठबंधन था उनका। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले से था, लेकिन अकेला लेके आया। तुम इतना बड़ा 26 पार्टियों का अलायंस बना के 99 सीट लेके जश्न मना रहे हो? अरे यार, तुमने 100 दिन तुमने मोदी को कटाक्ष किया नई सरकार बनने पे। तीसरी बार मोदी अपने में बिजी, वो अपने हिसाब से बिजी, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया पलट के। मोदी ने बोले मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं जनता के प्रति जवाबदार हूं, विपक्ष के प्रति जवाबदार नहीं हूं। वो एक माइंडसेट लेके चले हैं, जब से वो राज में आए हैं मोदी, वो एक ही माइंडसेट लेके चले हैं कि मैं अपने देश की जनता के प्रति जवाबदार हूँ, मैं विपक्ष के प्रति जवाबदार नहीं हूँ। देश, आपका नाम क्या है सर? देश की जनता का तो कहना है महंगाई बहुत बढ़ गई है जब से मोदी जी आए हैं। देखिए, अगर जवाबदेही मोदी जी बोलते हैं कि मैं जवाब अपनी देश की जनता को दूंगा, तो देश की जनता तो काफ़ी महंगाई से, गरीबी से करहा रही है। देखिए मैम, अगर महंगाई बढ़ी है तो आदमी की आमदनी भी बढ़ी है, समझाइए, उसी हिसाब से आदमी के खर्चे भी बढ़े हैं। किसी टाइम टेलीफोन नहीं होता था, टेलीविज़न नहीं होता था, ये इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी, 200 रुपये में भी काम चल जाता था। आज इतने जो बैंक के कर्जे नहीं होते थे, उस हिसाब से जो है कमाई के हिसाब से कमाई भी बढ़ी है। पहले आदमी की आमदनी जो है तनख्वाह 100-150 होती थी, आज 1500, 2000, 2500 है। तो महंगाई तो आम चीज़ है, ये अगर आने वाली गवर्नमेंट भी आएगी तो वो भी आएगी तो कोई ये नहीं कि सस्ता कर देगी, वो भी महंगाई लाएगी। रही ये कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरा देखना था तो सन 77 में देखते, आदमी 6 बजे के बाद घर से निकलता नहीं था। इमरजेंसी की बात कर रहे हैं आप, 1975 हमने देखी है जी, चलते चलते रोड से जिसके बाल लंबे होते थे पकड़ के ले जाते थे, आज भी। अरे वो 77 की बात तो छोड़ो, आपका वो जो वो 75 की बात छोड़ो, वो मैम अभी 3 साल तो 4 साल पुरानी बात बता रहे हैं। अर्णब गोस्वामी ने महाराष्ट्र में एक कांड खोला था, उसको उठा के ले गए, उठाकर ले गए, ये है इनका तो लोकतंत्र। आज लोकतंत्र है तो आज हम और आप इतना बोल रहे हैं। ये विपक्ष है, विपक्ष का काम तो है कहना और बक बक करना,
ये चाहते ही नहीं कि हिंदुस्तान तरक्की करे। दिल्ली में इस बार आएगी केजरीवाल जी की सरकार या फिर कुछ बदलाव आएगा? देखिए मैम, आतिशी जी तो बैठी ही नहीं है कुर्सी पे, उन्होंने बोला कि मैं कुर्सी छोड़। मैम आतिशी जी ने एक कुर्सी बगल में लगा दी है। हाँ। वो कह रहे हैं कि ये मेरे राम जी की कुर्सी है। आप बताओ कि राम जी ने कभी दारू फ्री बांटी थी? एक के साथ एक फ्री बांटी थी? किसी के आराध्य को इस लायक लाना आज किसी हिंदुओं के छोड़ के दूसरों को बोल कर देके इनकी इनके घर से बाहर निकलना मुश्किल है। ये हिंदू ही है जो इतना झेल लेता है। आप ठीक है नाम लो, लेकिन उसके कर्म भी तो देखो। आदमी को नाम लेने से पहले उसके कर्म देखने चाहिए। अपने आपको आतिशी जी भरत बोल रही है, लक्ष्मण जी अब सिसोदिया जी कहते हैं मैं लक्ष्मण हूँ, डटा रहूंगा मैं तानाशाही के खिलाफ। रावण तो मोदी जी है। आप बताइए ना रावण कौन है, राम कौन है? रावण है ये दूसरा रावण है 2.0 कलयुग के। कहा था कि हम कोठी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, बच्चों की कसम भी खाई थी इसने और सब कुछ लेके बैठ गया। वो तो कहते गवर्नमेंट सरकारी बंगला अब तो छोड़ रहा हूँ, दिल्ली वासी मुझे अपने घर में ही कोई बना दे। जनता की जेब काट के 45 करोड़ की कोठी बनाई। हमारा 120 रुपए का घर का बिल आता था, इसने माफ कर दिया। दुकान का बिल आता था 150 रुपए का, वो इसने 450 का कर दिया, यानी 300 रुपए बढ़ा दिए। और फायदा किसको हो रहा है? केजरीवाल को 120 का फायदा हमें करा दिया, यानी 300 की इसने जेब काट ली हमारी। 80 साल का बूढ़े का हमारा टिकट लगता है बसों में, जो 50,000 रुपए महिलाएं तनख्वाह लेती हैं वो फ्री में जाती हैं दफ्तरों में, फ्री शाम को फ्री में आती हैं। तो पुरुषों के लिए भी फ्री होना चाहिए या फिर महिलाओं के लिए भी पैसे होने चाहिए? प्रथाई गलत है, फ्री वाली प्रथाई गलत है। तो उनको दे जो जरूरतमंद, बस सबको बात। शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या कहना? जिनको जरूरत है शिक्षा पे भी, जिनको जरूरत है उनको फ्री दे, जिनको जोत है जिनको जोत नहीं इनको काहे के लिए फ्री? ये तो फिर श्रीलंका बनाने वाली बात हो गई। श्रीलंका बना दो, बांग्लादेश बना दो, पाकिस्तान बना दो, ये नीति कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। पाकिस्तान की स्थिति तो वैसे ही इतनी खराब है, बस वही स्थिति बना चाह रहा है कि श्रीलंका बना दो, फ्री बांटो, जिनको जोत उनको दो ना, जिनको जोत है उनको क्यों दे रहे हो? हमारा पैसा हमें लौटा रहे, उल्टे सीधे कर रहे हैं और कोई फायदा नहीं है इससे, इसका कोई फायदा नहीं है। ये एक तरह का नौटंकीबाज है। केजरीवाल की बात करें तो ड्रामा है, ये रामलीला कंपनी लायक है, इनकी पूरी टीम, कोई भी नहीं है इसका जो भ्रष्ट से हटा। वो संजय सिंह लो, सत्येंद्र जैन लो, मनीष सिसोदिया लो, केजरीवाल खुद, अब इसको जो कह रहा है ये कोर्ट ने फैसला कर दिया इसको कि ये शराबी, ये गुनाहगार नहीं है। उन्होंने बोला जब जमानत दी तो कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी उनकी, जिसमें वो उनको कोर्ट ने इनको ऑफिस जाने के लिए मना कर रखा, कार्यालय जाने के लिए मना कर रखा, साइन करने के लिए मना, जब कुछ है ही नहीं तो इनको बरी कर देता ना। ये तो बेल पे है, बरी थोड़ी होगी, बेल पे आया हुआ है ये, तो अभी क्लियर नहीं हुआ, ये अपने आप को सर्टिफिकेट दे रखे हम, ये तो उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कार्रवाई कर सकता है। इसको मना कर रखा है कि बोलने के लिए नहीं, कोई बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं देना, लेकिन उस मामले में आपको कोई बातचीत नहीं करनी है, फिर भी बयानबाजी कर रही है, अपने आप को ही साबित करता है। सर्टिफिकेट ले रखा है, ईमानदारी का ठेका ये ले रखा है, ये कह रहा है मैं ठेका ले रखा हूँ, यही ठेकेदार है। तो फिर सवाल ये है कि जो नड्डा जी हैं है ना, उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है और आरएसएस ही भाजपा बनी है। तूने बोला केजरीवाल जी इतनी हिम्मत हो गई कि भाजपा की वो अपनी माँ को आग दिखाएगा। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को दुख नहीं है जब जेपी नड्डा ने ये टिप्पणी करी कि हमें जरूरत नहीं है? अब तो दुख नहीं हुआ? माफी नहीं मांगनी चाहिए? ऐसे संविधान चलेगा या ऐसी राजनीति चलेगी इनकी? देखिए आपसी है, इनका अपना घर का क्लेश है, निपटा लिया, निपट गया, चलता है लोगों के देश की जनता के लिए नुकसान हुआ है। आरएसएस चाहिए। हाँ। आरएसएस अच्छा काम भी कर रही है, देश के लिए भी कर रही है, बीजेपी के लिए भी कर रही है, तो ये इसका नुकसान यूपी में तो मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है।